देख रहे हैं मिनट्स न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नकली वैक्सीन के शिकार सांसद व फिल्म अभिनेत्री भूमि चक्रवर्ती की तबीयत बिगड़ी। एक दिन में लगे 7 लाख से अधिक टीके, 9,812 नए मामले, 179 लोगों की मौत। कांग्रेस के बिना विपक्ष का गठबंधन अधूरा, शिवसेना नेता राउत ने कहा। अब खबरें विस्तार से। कोलकाता में फ्रॉड कोरोना वैक्सीनेशन का शिकार हुई तृणमूल कांग्रेस की सांसद और बंगाली फिल्म अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती की तबीयत बिगड़ गई है। हाल ही में कस्बा इलाके में एक टीकाकरण कैंप में गई मिमी चक्रवर्ती को कोविड की नकली वैक्सीन लगा दी गई थी। इस केस में SIT का गठन कर दिया गया है। जादवपुर लोकसभा सीट के सांसद मिनी को 4 दिन पहले वैक्सीन लगी थी। उन्हें बुखार, अधिक पसीना और पेट दर्द की दिक्कत हो रही थी। डॉक्टर ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने फिलहाल घर पर ही रहकर इलाज करवाने का फैसला किया है। मिमी ने बताया कि एक शख्स ने अपने आप को IAS ऑफिसर बताया और कहा कि ट्रांसजेंडर्स और दिव्यांगों के लिए स्पेशल वैक्सीनेशन ड्राइव चला रहे हैं। इसके साथ ही उस शख्स ने उनसे वैक्सीनेशन कैंप में आने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा, मैंने लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए वैक्सीन भी लगवाई, लेकिन कभी भी कंफर्मेशन का मैसेज नहीं आया। पुलिस ने इस मामले में फर्जी IAS अधिकारी देवांजन देव समेत उसके 3 और सहयोगियों को शनिवार सुबह गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरी खबर, राज्य में शनिवार को COVID-19 टीके की 7 लाख से अधिक खुराक दी गई। स्वास्थ्य विभाग के मुख्य सचिव प्रदीप व्यास ने बताया कि शनिवार को 7,02,432 खुराक देकर नया रिकॉर्ड बनाया गया। महाराष्ट्र में अब तक कुल 3,09,79,469 खुराक दी जा चुकी है। शुक्रवार को यह 3 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया था। महाराष्ट्र में शनिवार को कोरोना वायरस के 9,812 नए मामले सामने आए और 179 लोगों की संक्रमण से जान गई। उसकी वजह से राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 7,02,469 खुराक दी जा चुकी है। महाराष्ट्र में शनिवार को कोरोना वायरस के 9,812 नए मामले सामने आए और 179 लोगों के संक्रमण से जान गई। इसकी वजह से राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 60,26,847 हो गई है तथा मृतक संख्या 1,20,881 पर पहुंच गई है। वहीं तीसरी खबर, शिवसेना नेता संजय राउत ने शनिवार को कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर सभी विपक्षी दलों को एक साथ लाने का काम चल रहा है, यह गठबंधन कांग्रेस के बगैर अधूरा है। राउत ने कहा कि कांग्रेस इस गठबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जिसका उद्देश्य मौजूदा शासन के खिलाफ एक मजबूत विकल्प देना है। राहुल का यह बयान 4 दिन पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार के नई दिल्ली स्थित आवास पर तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, वाम दलों समेत 8 विपक्षी पार्टियों के नेताओं की बैठक हुई और इस दौरान देश में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के बाद ऐसी अटकलें हैं कि बैठक का एजेंडा ऐसे ही संभावित गठबंधन पर चर्चा करना था जो भाजपा का विकल्प हो। इसी के साथ आज के खास खबर को ये विराम देते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए MNS न्यूज़ लाइव। नमस्कार।